तो हमने काफी रियलिस्टिक रखा है, फिर भी कहीं से चुन्नी उड़ेगी और लाल चुन्नी हीरोइन पे गिरेगी और फिर आपको लव रोमांस भी मिलेगा, टशन भी मिलेगा। हम सिर्फ एक दूसरे को टशन दे रहे हैं। वेरी बैड। वो किसी का गलत सुनती नहीं है और क्यूट भी है, एंड ही इज अ म्यूजिक लवर एंड आई लव म्यूजिक। हाय, दिस इज नियति फतनानी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का। हाय गाइज, वेलकम टू टेली चस्का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नियति, आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, नया शो है, वेब शो है बेसिकली, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो को लेके, जिस शो का नाम है डियर इश्क। और यू नो, एक ये नॉवल पे बेस्ड है, राइट मी अ लव स्टोरी, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अगेन एज यू ओनली सेड कि इट्स OTT प्लेटफॉर्म, तो हमने काफ़ी रियलिस्टिक रखा है, यू नो, एंड वी kept the nuances and you know subtlety and also maintained the cuteness. Or actually it's a full masala show. Aapko love romance bhi milega, tension bhi milega, so yeah, it's full romance, full masala show. Okay, साथ ही शैबान की बात करें तो वो भी इस शो में, उनके साथ काम करके कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। यू नो, मुझे हमेशा से लगता है दैट आपका जो को एक्टर है वो किस एनर्जी के साथ सेट पे आते हैं, यू नो, तो वो काफ़ी हद तक आपकी सीन के ऊपर असर करता है। एंड आई एम रियली लकी दैट यू नो साहिबान इज़ अ वेरी कूल हेडेड गाय एंड यू नो ही ऑल्सो बिलीव्स कि हमें काम अच्छा करना है, सो इट्स नाइस। यू नो, हम दोनों सीन डिस्कस करते हैं एंड यू नो अगर सीन अच्छा होता है तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अच्छा सीन किया, सही था, द मूड वॉज राइट। तो जब एक को एक्टर से फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, इनक्रेजिंग लगता है। एंड या एंड ही इज़ अ म्यूजिक लवर एंड आई लव म्यूजिक, तो दैट्स अ प्लस। हाँ, ओके। इसी के साथ फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था आपका? फर्स्ट इम्प्रेशन किसका? फर्स्ट साहिबान के साथ। सो मतलब ऑनेस्टली ना, आई न्यू दैट ही इज करण्स फ्रेंड। एंड जब मैं यू नो जब करण ने मुझे कंग्रेचुलेट किया तो but he was like, you know, Saiban is there, you're going to enjoy working with him. Haan. So when I went for the mock, I was like, okay, I know that, you know, if Karan has said I will enjoy work. And also maine na Saiban ki shows and unhone jo short movies aur ye sab kiya, I have seen that. So it's nice that you know what an actor brings on plate, you know, and if you're getting to work with an actor like that who focuses on intricacies and all that. So yeah, okay. Mera aisa hi tha that, haan, I know that I will have a great time working with him. So TV aur OTT ki baat kare to dher sara difference hai, which is one thing that you feel is easy web mein aur which is one thing that you feel is hard web aur TV mein, dono ki agar baat karu to. Easy thing, I don't know easy or hard, बट मैं कहूँगी यूनिकनेस, यू नो, आई वुड पुट इट एज हम OTT पे, वेब पे हम काफ़ी चीज़ें नेचुरल रखते हैं, जैसे सपोज डायलॉग भी अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं जैसे आज बातें करती हूँ आपसे, जैसे बातें करूँ मैं वैसे ही बातें करूँगी, मैं उसमें फिर शुद्ध हिंदी या यू नो आदर के साथ आपको यू नो उस तरह से नहीं बोलूँगी, तो दैट इज़ देयर। एंड सेकेंडली आई फील एज आई सेड इट्स इन रियल स्पेस, यू नो, तो हम कई बार TV में हम दिखाते हैं कि ऑडियंस को पता है कि लड़का लड़की की शादी होने वाली है, बट फिर भी कहीं से चुन्नी उड़ेगी और लाल चुन्नी हीरोइन पे गिरेगी और फिर सबको पता चल गया, अच्छा अब इसकी शादी इससे होगी, तो ऐसा यू नो वो भी अच्छा है, यू नो मैंने वो भी किया है, ऑडियंसेस को वो भी पसंद है। और एज एन एक्टर मुझे ये भी करने का मौका मिला है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे को टेंशन दे रहे हैं और फिर भी लोगों को पता है हाँ इनके बीच में कुछ चल रहा है, यू नो, सो दिस इज ऑल्सो फन। सो एज एन एक्टर आई एम ग्लैड कि मुझे दोनों चीज़ें करने का मौका मिला है। ओके, शो की अगर बात करें, प्रोमो देखा है हमने, थोड़ा सा देखा है और देखेंगे।
वेरी बैड तो अगर शो की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है, लाइक कोरियन स्पेस के अगर आप शोज देखेंगे थोड़ा बहुत सिमिलर आपको लगता है ऐसा कुछ है? यार लव स्टोरी तो सब सेम ही होती है, राइट, चाहे मैं मूवीज में भी बोल दूँ, यू नो कि कुछ कुछ होता है में भी ट्राइंगल था, यू नो हमारे शो में भी ट्राइंगल है, यू नो तो स्टोरी प्लॉटिंग इज गोइंग टू बी द सेम थिंग एवरीवेयर, बट वॉट न्यू इज दैट यू नो द एक्टर्स आर न्यू, द वे ऑफ टेकिंग इज न्यू, सिनेमाटोग्राफी इज न्यू, एंड यू नो समथिंग लाइक दिस इज कमिंग ऑन एन इंडियन प्लेटफॉर्म इज न्यू, सो यू नो हाँ हो सकता है आप कोरियन टच आपको लग रहा होगा, क्योंकि हमने शायद एफर्ट भी की है कि यू नो इफ यू सी द कवर पेज ऑल्सो, जो ट्रेलर टाइटल मॉन्टाज जो है, इट इज सो ब्यूटिफुल, सो एज अ व्यूअर इवन इफ आई वॉच माई शो आई विल सी स्टार्ट टू एंड, यू नो कि क्या है, यू नो वॉट एम आई बींग प्रेजेंटेड, सो अगर किसी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है और हम उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ रिजेम्बलेंस है, तो आई थिंक इट्स कूडोस, यू नो इट्स अ गुड थिंग, यू शुडंट बी अशेम्ड. यस, सो लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया शो आ चुका है, ऑलरेडी इट्स डूइंग वंडर्स. या आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल कि आपको मेरा हर रोल पसंद आता है, एंड यू नो आप मुझे हर रोल में एक्सेप्ट करते हैं, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, तो जैसे आपने मुझे सारे कैरेक्टर्स को प्यार मेरे सारे कैरेक्टर्स को प्यार किया, वैसे प्लीज़ अस्मिता को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, बिकॉज यस शी इज़ वेरी दिस गर्ल, यू नो ओपिनियनेटेड गर्ल, स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, वो किसी का गलत सुनती नहीं है और क्यूट भी है, तो आई होप ये सारे फ्लेवर्स आपको अस्मिता के अच्छे लगें.